दिल्ली सरकार ने शीला दीक्षित पर कार्यवाही की मांग की है। राष्ट्रपति को लोकायुक्त मामले पर दिए अपने जवाब में सरकार ने कहा है शीला और अन्य के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा मामला 2012 में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का था, जिसके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें 13 करोड़ रुपए की बर्बादी का आरोप बीजेपी के नेता हर्षवर्धन ने लगाया था और लोकायुक्त से शिकायत की थी। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। अनुराग, एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ा स्टैंड सरकार का, जिसकी वजह से सरकार जो इस वक्त चल रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच मुश्किलों में पड़ सकती है, क्या कहा गया है? देखिए, बिल्कुल ये पहला फैसला है जिसकी वजह से जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तार खींच सकती है, तो ये पहला फैसला है जिसकी वजह से कि तार खींच सकती है, क्योंकि सीधा इसका असर जो है वो शीला दीक्षित और उस वक्त की सरकार के मंत्रियों पर पड़ रहा है। एडवर्टीजमेंट में पूरे प्रोग्राम में जो 13 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, बीजेपी लगातार उसको लेकर आरोप लगाती रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा चुके हैं कि हम लोग लगातार वो प्रूफ लेकर घूम रहे थे, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो अब जो राष्ट्रपति के पास से दिल्ली सरकार से कमेंट मांगा गया था कि क्या इस पर कार्रवाई की जाए, लोकायुक्त पहले ही इस मामले में अपनी कार्रवाई कर चुके हैं, उसके बाद सरकार की तरफ से अब ये कमेंट गया है कि जो भी इसमें कार्रवाई हो वो कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ जिसने भी पब्लिक फंड को मिसयूज किया है, जिसका सीधे मायने ये कि शीला दीक्षित और उनका मंत्रिमंडल उस वक्त का जो था, जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज करने की घोषणा की थी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट की, जिसमें ये कहा गया था कि जब तक बेसिक सुविधाएं ना हो तब तक रेगुलराइजेशन नहीं हो सकता है, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे जाने को लेकर ये पूरा मामला था, और उसको लेकर अब अगर कार्रवाई होती है तो फिर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तलवारें खिंच जाएंगी। बिल्कुल, तलवारें खिंच जाएंगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच, लेकिन सवाल यही है कि अब जो स्टैंड ले रही है केजरीवाल की सरकार, वो साफ तौर पर शिकायत पर अगर काम करने की बात को सही मान रहे हैं, यानी कार्रवाई होगी और उसके बाद ये मुसीबत की घड़ी भी आएगी अनुराग, और इसीलिए चाहेंगे कि एक बार फिर से हमारे दर्शकों को जरा सा बताएं कि किस तरह से पिछले कई दिनों से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि हालांकि ये 13 करोड़ की फिजूल खर्ची का मामला है, लेकिन शीला दीक्षित पर जिस तरह के संगीन इल्जाम पहले भी केजरीवाल लगाते रहे हैं, ऐसे में अब ये बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई बन जाएगी अनुराग। देखिए, बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई होगी, और सिर्फ 13 करोड़ के फंड के मिसयूज के साथ साथ अगर लोकायुक्त ने जिस तरीके का कमेंट उसमें दिए थे, तो अपने केस के दौरान दिए थे, उसमें साफ तौर पर यह भी झलकता है कि किस तरीके से लोगों के साथ धोखा किया गया है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए गए लेकिन सुविधाएं उन कॉलोनियों में नहीं मिली, तो ये चीज उस कंप्लेंट में जो डॉक्टर हर्षवर्धन ने की थी उसमें मेंशन थी ये चीज, और वही केस लगातार चलता आ रहा है, उस पर कमेंट मांगा गया था सरकार से, जिसका सीधा मतलब ये कि सिर्फ 13 करोड़ तक ये मामला सीमित नहीं है, बल्कि लोगों से धोखेबाजी का मामला भी इसमें है कि किस तरीके से प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिए गए और उसके बाद कोई काम हुआ नहीं, यानी लोगों को धोखा दिया गया। तो इस लिहाज से अगर देखें तो अगर इस पर केस बनता है या एफआईआर दर्ज होती है, आगे कोई कार्रवाई होती है, तो सीधे तौर पर उसका जो ठीकरा है वो आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर फूटेगा, क्योंकि सरकार के कमेंट के बिना इस पर आगे कार्रवाई नहीं होनी थी, और सरकार की तरफ से पूरी तरह से नेगेटिव कमेंट शीला दीक्षित सरकार के लिए गया है।